नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक टाटा ग्रुप के शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, आज जिसके बारे में बात करूंगा उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस पहले भी अपलोड करके दिया हूँ, क्योंकि देखिए, जब भी कोई अपडेट्स आता है, कोई भी कंपनी के ऊपर अपडेट्स आता है, और उस अपडेट से आपको मतलब जो जानकारी है वो जानकारी आपको हमेशा देता रहता हूँ। क्योंकि मेरे मकसद है आपको हमेशा अपडेट इसीलिए देने के, क्योंकि देखिए, कोई भी स्टॉक के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो उसके ऊपर सारी जानकारी आपके पास पता चले। देखिए, जो बड़े इन्वेस्टर, कोई मान के चले कोई HNI, साथ ही साथ कोई मान के चले कोई FISDS, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन, वो भी कोई उसका जो मैनेजमेंट सॉरी उसका जो रिसर्च टीम होते हैं, वो रिसर्च टीम का काम ही ऐसे होते हैं कि कंपनी क्या कर रहा है और कंपनी फ्यूचर में कौन सा बिजनेस में एंटर हो रहा है, उसका लॉसेस हो रहा है कि नहीं है। तो इस तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन वो हमेशा कलेक्ट करता रहता है, तो इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाते हैं। मतलब साथ ही साथ जितने सारे इंस्टीट्यूशन है वो भी अच्छा खासा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से देते रहते हैं। देखिए, अगर वो रिसर्च ना करते, उसका रिसर्च टीम ना होते, तो उसका भी शेयर में लॉसेस होता और वो जितने मार्केट से पैसा उठाया है वो पैसे को रिटर्न नहीं दे पाते। तो ये बात आप जब तक ना समझेंगे तब तक आप अच्छे खासा इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप मेरे वीडियो देखते जाइए, आपको किसी भी जगह पे जाने का जरूरत नहीं। हाँ, आप दूसरे जगह पे जाकर भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मेरे वीडियो भी देखेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलो, आज बात करूंगा मैं टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनीज के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर सॉरी टाटा पावर्स। तो आज मैं टाटा मोटर्स नहीं, टाटा पावर्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में मैं टाटा मोटर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको दिया था। तो टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा फिर से एक अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट के चलते हुए टाटा पावर में और भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का पोटेंशियल एक दिखता है। तो मैं आज इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा, कौन सा लेवल है जिस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक फिर से नया हाई देखने को मिलेगा और फिर से एक नया रैली देखने को मिल सकता है। तो चलो, एक एक करके पूरा ड्रेस आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आपके प्यार के बहुत सारा जरूरत है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट भी करिए। और हाँ, आप ट्रेडर है, आप इंट्राडे ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नीचे टेलीग्राम लिंक है, जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कॉल अच्छा लगता है तो एक हफ्ते के लिए रुकिए, मतलब एक हफ्ते आप देखिए, उसके बाद कॉल अच्छा नहीं लगता है तो एग्जिट हो जाना ग्रुप से। तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, चलो वो मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। तो कौन सा साइट है, द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस साइट के ऊपर जाइए, बहुत शानदार यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया, तो इस साइट के ऊपर विजिट करिए और इस न्यूज को जरूर देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, टाटा पावर सोलर सिस्टम टू सेट अप 100 MW प्रोजेक्ट इन SGVN इन गुजरात। तो आप सभी जानते हैं टाटा पावर रेगुलर नया नया प्रोजेक्ट हायर कर रहे हैं, मतलब नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो रहा है। प्रोजेक्ट मतलब बहुत सारे टेंडर उसको मिला है, बहुत सारे कंपनी भी दे रहे हैं, बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से भी मिल रहा है। तो बहुत सारे जगह से कंपनी को टेंडर मिला। अभी जो टेंडर मिला उसको, अभी जो प्रोजेक्ट मिला वो SGVN गुजरात में उसको मिला, और करीबन 100 MW। आप कहेंगे सर 100 MW कितना होता है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा होता है दोस्त। तो आप देखेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, इस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड 100% सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। मतलब एक्चुअली डायरेक्ट टाटा पावर का प्रोजेक्ट नहीं मिला, एक्चुअली प्रोजेक्ट मिला टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो 100% सब्सिडरी किसका है, टाटा पावर का है। मतलब टाटा पावर का ही सब्सिडरीज कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है, उसी को ही प्रोजेक्ट मिला। देखिए, आप मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आप दूसरा एक बिजनेस का भी ओनर है, मतलब आप एक दूसरा दुकान भी खरीद के रखे हैं, तो उस दुकान से जितना प्रॉफिट होगा वो आप ही के पास आएगा ना। तो यही आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 100% सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर का है, तो सॉरी टाटा पावर के 100% सब्सिडरी है, तो उसी को प्रोजेक्ट मिला। और प्रोजेक्ट कहाँ पे मिला, आप देख सकते हो, 100 MW ग्राउंड यहाँ पे माउंटेड, यहाँ पे देखिए सोलर प्रोजेक्ट SGVN लिमिटेड। तो SGVN लिमिटेड गुजरात में आपको जो मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट मिला, और करीबन 612 करोड़ का, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मत समझ लेना, 612 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। तो देखिए, आप कहेंगे सर 612 करोड़, इससे भी तो बहुत बड़ा कंपनी को पहले भी प्रोजेक्ट मिला है। हाँ देखिए, छोटा प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट होता है। मान के चलिए बहुत बिजनेस का कुछ रूल्स होते हैं, आज आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी क्या क्या
तो मारुति सुजुकी, चलो यहाँ पे लिखना देता हूँ, मारुति सुजुकी क्या किया, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बेचा। मान के चले मारुति अगर 100 गाड़ियां बेचेंगे तो बाकी सारे कंपनी, मतलब जितने सारे कंपनी से वो सारे कंपनी मिलकर 100 गाड़ी बेचेंगे। तो इसमें फर्क क्या है, सारे कंपनीज का रेवेन्यूज जो आते हैं वो ज्यादा हाई वैल्यूएशन में गाड़ी बेचते हैं, और मारुति क्या करते हैं, क्वांटिटी ज्यादा बेचते हैं, तो इसलिए उसका रेवेन्यूज भी अच्छा खासा आता है। तो आप कम बेचे ज्यादा प्राइस में और ज्यादा बेचे कम प्राइस में, दोनों ही सेम टू सेम फिगर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, आप देखेंगे तो SGVN इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर, तो इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैविंग बिजनेस, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट इन हाइड्रो एंड थर्मल सोलर विंड्स एंड पावर ट्रांसमिशन ऑफ द पावर ट्रेडिंग। तो SGVN जो है वो एक्चुअली एक पब्लिक सेक्टर है, और इसमें आप देखेंगे तो हाइड्रो थर्मल पावर सोलर प्रोजेक्ट विंड प्रोजेक्ट पावर ट्रांसमिशन के ऊपर काम करते हैं। इट इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं पहले बता चुका हूँ गवर्नमेंट का भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है, मतलब टाटा पावर को गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट मिलता है। कि आप कहेंगे सर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट, मतलब गवर्नमेंट का कोई इस तरीके से कुछ मतलब कोई टाटा पावर जैसे कोई कंपनी नहीं है क्या, वो टाटा पावर को प्रोजेक्ट दे दिया। देखिए टाटा पावर जैसे कंपनी से भी ज़्यादा उसके बड़े हैं पावर ग्रिड, साथ ही साथ आप देखेंगे तो NTPC, वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और वो भी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करते हैं। फिर भी टाटा पावर को क्यों प्रोजेक्ट दिया वो अलग बात है। देखिए हमेशा टेंडर दिया जाता है, उस टेंडर के माध्यम से जो टेंडर को मतलब बीट कर पाएंगे उसी को मतलब प्रोजेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे मतलब गुजरात में ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी ने एक बहुत बड़ा 600, देखिए अमाउंट भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 612 करोड़ का टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और टोटली प्रोजेक्ट है 612 करोड़ का। तो अभी इस पॉइंट के चलते हुए क्या कंपनी में क्या ग्रोथ होगा, तो चलो मैं डायरेक्ट आपको चार्ट बटन में दिखाऊंगा यहाँ पे कंपनी अभी फिलहाल के लिए कौन सा सिचुएशन में है और फ्यूचर में कौन सा सिचुएशन में जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको चार्ट बटन के ऊपर लेके आया हूँ। मैं अगर चार्ट को छोटा कर दूँ तो आपको दिखेगा स्टॉक में कोविड सिचुएशन के बाद, कोविड का सिनेरियो में करीबन करीबन 27-28 रुपीज में कंपनी का शेयर चल रहा था। ये जो पॉइंट था यहाँ पे कितना था, 28 28 इसका टोटल मतलब यहाँ पे फिगर था। उस फिगर को देखिए लगातार लगातार ग्रोथ कराता चला गया, और इन्होंने क्या किया 52 हाई भी अचीव किया और लॉन्ग टर्म भी हाई अचीव किया। उसके बाद देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत दिनों तक, इसी पॉइंट्स में आपको बात करूंगा, बहुत दिनों तक एक ही रेंज में काम किया जा रहा है, एक ही रेंज में स्टॉक काम किया जा रहा है। एक बार तोड़ने का तो कोशिश भी किया था और वो भी हाई वैल्यूएशन मतलब वॉल्यूम के साथ, मगर उसको बीट नहीं कर पाया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो आप देखेंगे तो उसको ब्रेक ना करके फिर से रिटेस्ट किया, इसका मतलब क्या है आप सोचिए। देखिए जब कोई भी मतलब हाई होता है, कोई भी लाइफ टाइम हाई होता है, उसको जब ब्रेक करते हैं ना, उसको स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ सिर्फ होना नहीं चाहिए, उसको ब्रेकआउट भी स्ट्रांग होना चाहिए, और उसका कैंडल पैटर्न आपको पॉजिटिवली दिखना चाहिए, और उसका ऊपर विक्स छोटा होना चाहिए। अगर नीचे विक्स ज़्यादा हो तो पॉजिटिव साइंस मिलता है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, आप देखेंगे जो इसका जो ओपनिंग सेशन था, इसका जो ओपनिंग सेशन था यहाँ पे था, कंपनी ने मतलब पुशअप किया मतलब लेवल ब्रेकआउट करने के लिए। यहाँ पे जो विक्स बना आप देख सकते हैं, विक्स कितना बड़ा है, कितना बड़ा विक्स बना है। तो इस बड़ा विक्स के कारण यहाँ पे सेलर जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो सेलर्स एक्टिव होने के कारण उसको उस नेक्स्ट डे में वहाँ पे देखिए लगातार सेलिंग हुआ। इसका मतलब सेलर अभी भी चाहते हैं उसको डाउन में ले आने के लिए, फिर भी बायर्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसको एक जो रेंज है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट, एक नहीं दो दो बार सपोर्ट बना। इसका मतलब जो सपोर्ट जो लेवल है वो बहुत बहुत हाई मतलब स्ट्रांग सपोर्ट है, उस स्ट्रांग सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, एक बार दो बार फेस भी किया, मेरे हिसाब से इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ेगा और वो भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम लेकर, इस तरीके से वॉल्यूम लेकर, साथ ही साथ आपको एक एक सॉलिड मतलब कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर इस वेक्स को तोड़ता है तो आपको नया हाई देखने को मिलेगा, तब आप एंटर होने से आपको एक शॉर्ट टर्म रैली मिलेगा, और शॉर्ट टर्म में भी आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न में बहुत दिनों से मतलब सिखाता भी आया हूँ, और साथ ही साथ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी इस तरीके से टेक्निकल चार्ट के बेसिस से ही कॉल दिया जाता है। देखिए वो अलग अलग कॉल दिया जाता है अलग अलग टेक्निकल बेसिस से। तो आप भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो ऑब्वियसली मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं। बहुत दिनों तक पैरेलल में चला, तो एक जब कोई स्टॉक एक बॉक्स फॉर्मेट में चलता है
तो उसको ब्रेक होने का मतलब अप ट्रेंड ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो डाउन ट्रेंड में आए तो भी एक मतलब गिरावट देखने को मिल सकता है, तो चांसेस ज़्यादा होता है यहाँ पे अप ट्रेंड जाने का स्टॉक में, क्योंकि बहुत बार मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेंज को टच करने के लिए देखने को मिला। तो ये कंपनी के डिटेल्स देखकर आप, कोई भी चार्ट पैटर्न देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कंपनी में अभी निवेश करने का मौका अभी मिल रहा है। तो आशा करता हूँ इस स्टॉक के बारे में जानकारी आपको मिल चुका है। आपके पास टाटा पावर जैसे कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से अपने ख्याल रखिए।